अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुश्ताक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एड ब्लॉकर के बारे में बताने वाला हूं, दैट हाउ वी कैन टर्न ऑफ एड ब्लॉकर एंड गूगल क्रोम, यानी कि गूगल क्रोम के ऊपर हम ये एड ब्लॉकर को किस तरह से बंद कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि ये एड ब्लॉकर इनेबल हो, उस टाइम हम उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि ये एड ब्लॉकर हमने डिसेबल नहीं किया हो। तो आज यही एड ब्लॉकर डिसेबल करने के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद है तो साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये थ्री डॉट आप देख रहे हैं, इस तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से इधर पे मोर टूल पे और यहाँ पर ये एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एक तो ये हम यहाँ से या आप देख सकते हैं, इससे हम डिसेबल कर सकते हैं। ये ऊपर आप देखें इधर पे, इधर से मैं इनेबल करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एड ब्लॉकर का निशान आ गया, और इधर से मैं डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पर एड ब्लॉकर का निशान गया। एक तो ये तरीक़ाकार हो गया है इनेबल डिसेबल। दूसरा ये तरीका है, इसके अंदर जाएं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये डिटेल्स, डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से भी हम इसको बंद कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑन है, इधर से ऑफ़ करें तो ये ऑफ़ हो गया, और इधर से भी मैं ऑन कर रहा हूँ। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं फुली रिमूव करना चाहता हूँ, कि यानी कि मेरे सिस्टम के ऊपर ये बिल्कुल ना रहे, तो यहाँ पर सिंपली ये रिमूव आप देख सकते हैं, इस रिमूव पर क्लिक करें और यहाँ से हम इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिपोर्ट के ऊपर तो क्लिक फजूल में मत करें, क्योंकि वो फजूल पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अभी इधर पे इस रिमूव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। रिमूव के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड ब्लॉक हैज़ बीन अनइंस्टॉल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एड ब्लॉकर नहीं है, एड ब्लॉकर ख़त्म हो गया है। तो इसी तरीके से आप एड ब्लॉकर को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं और फुल कंप्यूटर से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था एड ब्लॉकर का इनेबल डिसेबल, के हम कहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।